तो नमस्कार मेरे सारे भाइयों को और मेरी सारी सुधीर की बहनों को। भाई नमस्कार। आज भाई तुम्हें सबसे पहले तो गूगल टाइम दिखाते हैं, क्योंकि पिछली कुछ वीडियो से ना कुछ ऐसे बंदे जो कंट्रोवर्सी के चक्कर में दूसरे चैनल से आ रहे थे ना, उनको यूं लग रहा था कि ये बंदे फेक है, उन्होंने देखी नहीं ना पीछे वाली वीडियोस। तो सबसे पहले तो तुम्हारे लिए ना गूगल टाइम ही दिखाते हैं। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ गूगल पे इंडिया टाइम नाउ, ठीक है। अरे मैंने मार दिया सर्च। टाइम देखो 11:58 हो रहे हैं, ठीक है। और एक बार ना इसको मैं येलो रिफ्रेश कर देता हूँ तुम्हारे आगे, और फोन का टाइम भी देख लो ऊपर 11:58 हो रहा है भाई, सही है। तो ये सिर्फ भाई उन बंदों के लिए दिखाया, जिन बंदों को नया नया हमारा चैनल मिला है, जिनको पता नहीं हमारे बारे में। तो भाई आपकी भी थोड़ी सी कन्फ्यूजन क्लियर करनी जरूरी है, बाकी पिछली वीडियो जाके देख लेना एक बार, वैसे ही दूर हो जाएगा सब कुछ। भाई हम फेक बनाते ही नहीं, पहली बात तो हम कोई भूत बात दिखाते ही नहीं कि हम भाई कोई नकली टाइम दिखाएंगे, ठीक है। जो फील होता है जैसा है वो दिखाते हैं भाई है। पहले एक बार थोड़ा सा अंदर चल लेते हैं, इसमें अंदर चल के स्टोरी बताते हैं आपको, जिसको नहीं पता एक बार टाइटल में भी जिसने नहीं पढ़ा, हॉन्टेड है। कहीं सोचो ऐसे ही क्या बिल्डिंग दिखा रहे हैं, ये हॉन्टेड है। इसके अंदर ना काफी सारे मजदूरों के भूत हैं। इसमें ना पूरे ही मतलब ये एक फैक्ट्री है जिसमें दो कंपार्टमेंट है, एक ये वाला है एक साइड वाला है। तो बेसिकली जिसने डे की वीडियो नहीं देखी ना जिसने डे की वीडियो नहीं देखी उसको बता देते हैं एक बार, ये जो लोकेशन है ना इसका जो ओनर है उसने हमसे कॉन्टेक्ट किया था कि भाई साहब मेरी जो है फैक्ट्री थी यहाँ पे, जिसमें मतलब एक बार एक्सीडेंट हो गया था और काफी सारे ना मजदूर मर गए थे। उसने बताया था कि पत्थर वत्थर काटने का कुछ काम होता था यहाँ पे, मार्बल लगती है ना वो काटने का काम होता था भाई इसमें, ठीक है। तो उन्होंने हमको बोला कि भाई यहाँ पे पता नहीं मशीन वगैरह से या कैसे कुछ ना मजदूरों की डेथ हो गई थी। उसके बाद में जब पुलिस का केस हुआ तो उसकी वजह से बंद हो गई थी कुछ दिनों के लिए। उसके बाद में ना जो बाकी मजदूर बचे हुए थे, जो आसपास के लोग थे ना, उन्होंने मनगढ़ंत कहानियां बना दी कि भैया यहाँ पे तो ना जो मजदूर मरे थे ना उनके भूत रहते हैं अब। और उनकी जैसे मरते हैं ना बंदे तो आवाजें चीखने चिल्लाने की आती है, वो आवाजें आती है रात में यहाँ से। तो जो ओनर थे उनको पता नहीं था पहले तो खैर हमारे बारे में, फिर अभी रिसेंटली ना उनको पता चला हमारे बारे में, तो उन्होंने कॉन्टेक्ट किया कि भाई साहब ऐसे ऐसे हमारी जगह है जिसको हम फिर से रीओपन करना चाहते हैं, लेकिन उसके लिए ना भाई पहले हमें थोड़ा सा ना मिथ क्लियर करना है इधर का, लोकेशन को साफ सुथरा करना पड़ेगा, मानना पड़ेगा लोगों को कि भाई ऐसा कुछ नहीं है। तो उन्होंने कहा कि अगर आप कर सकते हो तो बहुत बढ़िया, नहीं कर सकते तो कोई बात नहीं। तो हमने कहा भाई हमारा तो काम, हम तो करेंगे। मिथ है वहां में तो पहुंच गए भाई। पहले तो एक बार देख लेते हैं चारों तरफ, इधर से आ जा और थोड़ा सा ना नीचे देख के आइयो, गिर मत जाइयो। और जो ये लोकेशन है भाई ऑन हाईवे पे लोकेशन है, ये बिल्कुल जस्ट सामने हाईवे। आपको मेरे ख्याल से ट्रक वर्क की आवाज भी आ रही होगी, थोड़ा सा दूर है लेकिन बिल्कुल साफ सुथरा हाईवे है जिसपे 2400 घंटे गाड़ियां वाड़ियां चलती रहती है। फिर भी इस लोकेशन को ना एज ए हॉन्टेड लोकेशन कंसीडर करा जाता है। ऊपर देखो एक बार, ये देखो पूरा ना जंगल है, ये चारों तरफ जंगल टाइप एरिया है ये। तो यही है भाई थोड़ी सी लोकेशन, ये ऐसे एरिया के अंदर है जिसको देखकर ये आइडिया लगा लिया लोगों ने कि भाई एक्सीडेंट तो हुआ ही है, बंदे यहाँ पे मरे ही हैं, तो हो सकता है वो भूत में कन्वर्ट हो गए हों। देखो ओनर ने बिल्कुल क्लियर हमको बताया कि भाई साहब ये सच है, यहाँ पे एक्सीडेंट हुआ था एक बार, जिसकी वजह से ना कुछ हमारे लेबर्स ऐसे थे जिनकी डेथ हो गई थी।
और उसके बाद में उनकी फैमिली को हर्जाना भी उन्होंने दे दिया। केस वेस चला था, वो सोल्व हो गया था, सॉर्ट आउट हो गया था केस वेस, लेकिन वो रीओपन नहीं कर पाए क्योंकि अफवाह इतनी ज्यादा उड़ चुकी थी यहाँ की कि किसी ने काम ही नहीं करना चाह करने के लिए कोई भाई हिम्मत ही नहीं करी इसने कि काम करने आए, क्योंकि भाई बंदे ऐसे अफवाह उड़ाते ना कि रात में ये आवाजें आती है, वो आवाजें आती है यहाँ से। एक बार बता देते हैं, दिल्ली से आप जयपुर जाओगे ना तो जयपुर से 40-50 किलोमीटर पहले ये लोकेशन ऑन हाईवे पड़ती है, थोड़ा सा अंदर आना पड़ता है, ठीक है? तो मतलब बिल्डिंग का नाम या मेरे को ओनर का नाम तो याद नहीं, अभी काफ़ी दिन पहले कांटेक्ट हुआ था उनसे, लेकिन उन्होंने ना लाइव लोकेशन भेजी थी यहाँ की और फोटोज़ वगैरह भेजी थी, और वही है, सेम टू सेम वही है। देख लो, दिन में हमने तो खैर सब कुछ वेरीफाई कर लिया था, ये देख लो कट्टे वट्टे पड़े हुए हैं, और ये सामने वाला वही है मतलब एरिया जिसमें स्टार्टिंग में खड़े थे हम। ये मेरे ख्याल से ना जैसे ये फैक्ट्री है, तो फैक्ट्री के बाहर जो छोटा सा रूम है इसमें टेबल वेबल लगा के बैठे रहते होंगे, थोड़ा सा ऑफिस टाइप एरिया होगा ये। और हाँ बस ये छोटा सा रूम है, एक इस तरफ यहीं से दिखा दे, एक ये रूम हो गया, तो इसी टाइप का रूम है, और इस साइड क्या है, इस साइड भी रूम होगा। अच्छा उस साइड भी एक रूम पाएगा, भी देख लेते हैं उधर से चल के। तो बस ये तीन रूम बना रखे हैं, वो मतलब मैनेजर बैठ गया या कोई बड़ा एम्प्लॉई बैठ गया ऑफिस टाइप में, अब तो ये पूरा खंडर हो रखा है। खैर बिल्कुल खंडर भाई, चलो कोई नहीं, आओ एक बार अपना आपको वो चीज दिखाते हैं हम पहले एक बार, जो मेन आपने देखी होगी नीचे उतरने वाला एक ना रास्ता सा बना रखा है, जो कटिंग वगैरह होती है वो सब मशीनें वगैरह अंदर लगा रखी होगी, और हो सकता है जो एक्सीडेंट हुआ वो भी ना यहीं पे हुआ होगा, इसके अंदर ही कहीं। तो अंदर चलते हैं एक बार भाई, देख लो पहले एक बार यहाँ से हाइट देखो आप, गहराई ना को। तो ये नाना करते भी ना अगर आइडिया लगाया जाए ना तो होगा 20-21 फुट के आसपास पाएगा ये, और उतरने का वहां से है 7-8 फुट नीचे उतरो, फिर 8-10 फुट और नीचे उतरो, और मेरे पैरों की हो रखी है हालत टाइट बहुत ज्यादा, तुम्हें अभी पता नहीं है, पिछले 5-6 दिन से ना डेली गर्म पट्टी बांध रहा हूँ, बिल्कुल नसें चढ़ी हुई है पैर की। सुताई करिए किसी ना बढ़िया तरीके से कि ढंग की, तुम अज्यूम नहीं कर सकते कितना गंदा पेन है, और मैं तो यही देख रहा हूँ भाई इसको नीचे उतरने का सिस्टम क्या है। तो भाई यहाँ से उतरना पड़ेगा, अब ये देखो सही पैर होने का फायदा, और मेरी होगी अब अलग टाइप। आजा भाई, तो आजा पकड़ ही ले, रुक जा चश्मा एक बार ना, कैमरामैन चश्मा यहाँ डालो अपने, नहीं वानी यार ये कहाँ डालने लगा, उधर उतर उतर टट्टी में उतर, ओ भाई साहब नाटक कर रहा, नाटक भाई तेरी माँ की कसम यार, बहुत तेज चोट लगी हुई है पैर में, ला दे दे तेरी कसम यार, झूठ बोलूंगा क्या, ला दे दे लाइट दे दे आजा। ये भैया हमारा कैमरा मैन आज का, आज अब जल्दी ज्यादा टाइम नहीं है, पोज देने लग गया यार, आजा बीच में कूद, आजा आराम से, हाँ चलो आगे चलो, चल भैया चल, तुम्हारी टांगे सलामत है। बंदों ने ना गंदगी एक तो कुछ ज्यादा ही कर रखी है अंदर, तो यही है भाई यहाँ पे मशीनें लगी होंगी, और कहते इसी में वो जो होते हैं ना मार्बल्स वगैरह वो कट करते थे, और इसी के अंदर मशीन के अंदर लेबर से ना फंस के मर गए थे। हाथ रख दिया इसने, हाथ पवित्र हो गया इसका। नहीं गया भाई, गया तो इसका भी निशान है, बदनाम करते हो। ओए ओए स्पाइडरमैन, वंस मोर नो। अरे यार ये देखो भाई साहब, पैर में ही तो झटका, हाथ में थोड़ी है, अबे जोर का झटका, एक नीचे से देख के आई हो, गिर मत जाइए, इधर आ जा भाई, गिरे तो पहले बता दियो के गिरने वाला है ताकि हम कैमरा और लाइट ले सके, फिर गिर जियो है, हां तू उधर से ही आ जा भाई, नीचे तो तेरे को दिखेगा नहीं। एक बार भाई यहाँ से दिखा दे कुछ दिख रहा हो तो, वैसे तो खैर पूरा जंगल है, कुछ नहीं है, हाईवे पे ही है जो है।
ऑन हाईवे है, वहाँ पे तुम्हें शायद दिख रहे हो ट्रक वगैरह कुछ चलते हुए, थोड़ा सा दूर है, डिस्टेंस है, मतलब होगा 400-500 मीटर होगा। तो खत्म करें क्योंकि और भी काम है हमें यहाँ पे। तो चलो कोई नहीं भाई, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट कर दीजिएगा, और इंस्टाग्राम आईडी आ रही होगी उस पर जाके फॉलो मारे, क्योंकि हमारी स्टोरी डल चुकी है ऑलरेडी, हम कहाँ पे हैं। बाय बाय।